गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आज हम स्टडी करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर नंबर सेकंड के लिए। देखिए, अगर जैसे आपके पास में क्वेश्चन आए, व्हाट इज क्रिटिकल इल्यूमिनेशन। क्रिटिकल इल्यूमिनेशन का मतलब यह है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट और इल्यूमिनेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट फॉर फ्लावरिंग। यानी किसी भी प्लांट के लिए फ्लावरिंग डेवलप करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट की लाइट या इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड होता है उसे क्रिटिकल इल्यूमिनेशन कहा जाता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आया, जैसे कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या होते हैं। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या होते हैं, तो इसका आपको आंसर ये देना है कि कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें उनकी मैच्योरिटी के साथ में जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, यानी कि जो रेस्पिरेशन की रेट है या रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज हो जाता है उनके मैच्योर होने के साथ में। तो ऐसे फ्रूट्स कहलाते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। इस कैटेगरी में आते हैं एप्पल है, बनाना है, टोमेटो है, मैंगो है, ये सब क्लाइमेट्रिक फ्रूट की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। इसी तरीके से डिफाइन सोर्स एंड सिंक। सोर्स और सिंक ये दो चीजें क्या है, इनको आपको डिस्कस करना है। इनका सिर्फ डेफिनेशन देना है तो सिर्फ परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, पहले सोर्स की हम बात करते हैं। देखिए, सोर्स वो प्लेस होती है जहां पे फूड मटेरियल सिंथेसाइज होता है या फिर स्टोर होता है सेल के अंदर या पर्टिकुलर एरिया में बॉडी में, तो वो सोर्स कहलाता है। सिंक की जब हम बात करें तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू जो कि उस फूड को कैरी करता है जो कि सोर्स में बना हुआ है और रिसीव करता है सोर्स से किस चीज के लिए, खुद के यूज के लिए, तो वो ऑर्गन या टिश्यू सिंक कहलाता है। सिंपल सी चीज है, इसको इस तरीके से डिस्कस करते हैं। सोर्स तो वो एरिया या वो सेल या वो जगह हो गई बॉडी के अंदर जहां पे कि फूड मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा है या फिर स्टोर किया जा रहा है। और सिंक की जब हम बात कर रहे हैं तो सिंक वो ऑर्गन या फिर टिश्यू है जो कि फूड को कैरी करते हैं या रिसीव करते हैं खुद के यूज के लिए, तो वो सिंक कहलाता है। चलिए एक और क्वेश्चन पे हम आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, इनको आपको शॉर्ट में समझाना है तो देखिए इसको एक टेबुलर फॉर्म में बता सकते हैं आप इस तरीके से। तो पहले हम कोएंजाइम की बात करते हैं। देखिए, कोएंजाइम को कोफैक्टर भी कहा जाता है और ये पर्टिकुलरली नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। किसी भी एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर या कोएंजाइम कहलाता है और ये पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इसी को हम कोएंजाइम या कोफैक्टर कह देते हैं। अभी जुड़ा हुआ किसके साथ में, एंजाइम के प्रोटीन पार्ट के साथ में जुड़ा हुआ है, उस प्रोटीन पार्ट को हम एपोएंजाइम कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसे हम कोफैक्टर या कोएंजाइम कह रहे हैं, ये उस एपोएंजाइम के साथ में लूज बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और लूज बॉन्ड होने की वजह से ये इजिली सेपरेटेबल होते हैं, यानी इनको इजिली सेपरेट किया जा सकता है। तो हम वापस एक बार रिपीट करते हैं, कोएंजाइम क्या हो गया, कोएंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया पर्टिकुलरली, जिसे हम कोफैक्टर या कोएंजाइम कहते हैं। किसका नॉन प्रोटीन पार्ट, एंजाइम के प्रोटीन पार्ट से जुड़ा हुआ नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और वो प्रोटीन पार्ट जो है वो तो कहलाएगा क्या, एपोएंजाइम, और ये नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या कहलाएगा, कोएंजाइम, जिसे हम कोफैक्टर भी कह देते हैं। अब ये प्रोटीन पार्ट के साथ में लूज बॉन्ड बनाते हैं और इसी वजह से इजिली सेपरेट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है, कुछ कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप पर्टिकुलरली क्या है, एक टाइप के कोएंजाइम ही है, पर ये ऐसे कोएंजाइम है जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ में स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बना देता है, यानी कि प्रोटीन पार्ट के साथ में यानी एपोएंजाइम के साथ में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देते हैं और इन्हें इजिली सेपरेट नहीं किया जा सकता है, और अगर सेपरेट करा भी जाए तो आपको प्रोटीन पार्ट को डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा। प्रोटीन पार्ट डिसइंटीग्रेट करने का मतलब है जो एपोएंजाइम वाला एरिया है उसे आपको डीनेचर या डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसे जिस वजह से इस प्रोस्थेटिक ग्रुप को हम रिलीज कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड कोएंजाइम होती हैं एपोएंजाइम के साथ, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड कोएंजाइम या कोफैक्टर जो होता है उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, गटेशन। गटेशन से आप क्या समझते हैं, तो देखिए गटेशन बेसिकली क्या है, इट इज अ डिस्चार्ज ऑफ वाटर
इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीफ, यानी कि लीव्स के मार्जिन से ड्रॉप के फॉर्म में वाटर लॉस होता है, उसी को कहा जाता है गटेशन। और वाटर लॉस होने के लिए लीफ मार्जिन पे से कुछ वेन्स की, जो लीफ की वेन्स होती हैं उनके जो एंड्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, और एंड्स को कहा जाता है हाइड्रोथॉर्क्स, और इन्हीं हाइड्रोथॉर्क्स से ये गटेशन प्रोसेस होता है। फर्स्ट टाइम ये जो वर्ड है, ये फिनोमेना, ये जो टर्म है, ये यूज किया बर्गेंस्टीन के थ्रू 1887। तो इस तरीके से आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कुछ और पेपर्स के लिए। थैंक यू।